नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे पिचर्स सीजन 2 के बारे में। TVF का ये क्रिएशन है और सीजन 2 इस बार आप G5 पर देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं वैभव बंधु। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। पिक्चर सीजन 1 में कहानी थी चार दोस्तों की, जो कि अपनी 9 to 5 की जॉब से ऊब चुके हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और वो एक स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाते हैं। तो सीजन 2 की कहानी पहले सीजन से ही आगे बढ़ती है और इन दोस्तों का स्टार्टअप अब सफल हो चुका है और प्रगति.ai नाम की एक कंपनी स्थापित हो चुकी है। हालांकि चार में से अब तीन ही दोस्त साथ हैं, चौथा दोस्त अब इनके साथ नहीं है, लेकिन इन तीन दोस्तों के सामने चुनौती है अपनी कंपनी को बड़ा करने की, अपने प्रोडक्ट को बड़ा करने की, और उसके लिए फिर वो किस तरह से मेहनत करते हैं, क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं, यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों पिक्चर्स की कहानी मेरे लिए कहानी थी दोस्ती की और आज के युवाओं की, कि युवा किस तरह से नौकरी की दौड़ में लगा हुआ है और किस तरह से वो फिर एक पाथ ब्रेक भी करना चाहता है। तो सीजन 2 की जो कहानी है वो अच्छी कही जा सकती है, लेकिन ये कहानी ज़्यादातर कंपनी की कहानी है, स्टार्टअप की कहानी है और बहुत सारा वक्त आपको इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से फंड जुटाया जाता है, फाइनेंस जुटाया जाता है या कंपनी के सामने किस तरह से आर्थिक चुनौतियां आती हैं जब वो बड़े पैमाने पर जाती है या फिर किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी से किस तरह की चुनौतियां मिलती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में आपको मज़ा आता है और कहीं कहीं ये चीज़ ऐसी भी है कि बिल्कुल ही फ्लैट भी लगती है। दोस्तों अगर आप कंपनीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत सारी जानकारियां आपको यहां मिलेंगी, लेकिन यहां अंडरलाइन में भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे आज के दौर में इंजीनियरिंग की क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। यहां एक दृश्य है जब योगी जाता है बड़ी कंपनियों के सामने और जो लोग जॉब से बाहर आ रहे होते हैं उनको रोक रोक के पूछता रहता है कि क्या तुम कोडर हो, क्या तुम कोडर हो, या फिर किसी भी टेक कंपनी में काम का जो प्रेशर है उसको भी आप यहां देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां जो दोस्ती और इमोशन वाला पार्ट है फिर वो आपको 5th एपिसोड में दिखता है और जो भी यहां कमी आप महसूस करते रहते हैं शुरू के एपिसोड में वो कमियां यहां पूरी हो जाती हैं। जो 5वां एपिसोड है काफ़ी भावुक कर देने वाला है, काफ़ी इमोशनल आपको लगता है, जो इन दोस्तों की बॉन्डिंग है वो देख करके मज़ा आता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं नहीं गई हैं लेकिन पर्दे पर जब वो दिखती हैं तो उससे हम बहुत कनेक्ट करते हैं और उस फीलिंग को महसूस भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, कमाल की बात आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीजन में एक कमी शुरू से खलती रही और वो कमी थी जितेंद्र कुमार की। जितेंद्र कुमार इस सीजन में आपको नहीं दिखते हैं, हालांकि कुछ एडाउंस भी हुए हैं, जैसे आप देखते हैं आशीष विद्यार्थी को, रिद्धि डोगरा को या सिकंदर खेर को अलग अलग भूमिकाओं में दूसरे सीजन में ये आपको दिखते हैं। और दोस्तों ये जो सीरीज है अभिनय के हिसाब से भी अच्छी कही जा सकती है। नवीन कस्तूरिया है यहाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है, अरुणाव कुमार है, अभय महाजन है, ये सब अपनी जगहों पर अच्छे हैं। आर की भूमिका में आप यहां देखते हैं गोपाल दत्त को और इस सीरीज में एक कॉमिक रिलीफ वो लेकर के आते हैं, जब भी उनका किरदार आता है तो आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज है ये टेक्निकली भी ठीक कही जा सकती है और इसमें अभी आए हैं 5 एपिसोड, एपिसोड थोड़े लंबे हैं, घंटे के आसपास के हैं और यहां बहुत ज्यादा गाली गलौज का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों ये सीरीज ऐसी है जो कि आप देख करके एंजॉय कर सकते हैं, आपको ये सीरीज इंटरटेन करती है और एक नाइस वॉच आप इसको कह सकते हैं। मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी है या नहीं लगी है, क्यों अच्छी लगी क्यों अच्छी नहीं लगी, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।